अदानी अंबानींवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राहुल गांधींवर केलेली टीका बुमरँग होते की काय असा प्रश्न उपस्थित होतोय. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राहुल गांधींनी अदानी अंबानींचं नाव घेणं बंद केलं यासाठी किती पैसे घेतले असा सवाल मोदींनी केला. त्यावर काँग्रेसकडून पुराव्यांसह आता प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. अंबानी अदानींवरून पंतप्रधान मोदी विरुद्ध राहुल गांधी वार पलटवार. प्रचारात अचानक अंबानी अदानींबाबत राहुल गांधींची चुप्पी, मोदींचा आरोप. क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? काँग्रेसनं अंबानी अदानींकडून किती काळा पैसा घेतला, मोदींचा सवाल. सीबीआयईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इन्क्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी. अंबानी अदानींची ईडी सीबीआय चौकशी करा, राहुल गांधींचा पलटवार. पासून ज्या अदानी आणि अंबानींवरून राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींवरती हल्ला चढवतायत त्याच अंबानी आणि अदानींच्या मुद्द्यावरून मोदींनी पहिल्यांदाच जाहीर वक्तव्य करत राहुल गांधी यांनाच घेरण्याचा प्रयत्न केलाय. तेलंगणामधल्या करीमनगरच्या सभेमधून पंतप्रधान मोदींनी अदानी अंबानीच्या मुद्द्यावरून राहुल गांधींना काही सवाल केले. लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच राहुल गांधींनी अदानी आणि अंबानीवरती बोलणं बंद का केलं असा सवाल करत अदानी आणि अंबानींकडून काँग्रेसनं ट्रक भरून काळा पैसा उचललाय का असा आरोपही त्यांनी केला. मात्र पंतप्रधान मोदींनी आयता दिलेला हा फुलटॉस जोरदारपणे टोलवत अदानी आणि अंबानींची ईडी आणि सीबीआय चौकशी करा असा पलटवार राहुल गांधींनी केलाय. 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी. 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया. जरूर दाल में कुछ काला है. इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया. नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अंबानी बोला. और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी. आता राहुल गांधी प्रचारात अदानी अंबानींबाबत का बोलत नाही, काही साटलोट झालंय का असं म्हणणाऱ्या मोदींना काँग्रेस पक्षानं देखील चोख प्रत्युत्तर दिलं. आतापर्यंत प्रचार सभांमध्ये राहुल गांधींनी 104 वेळा अदानी अंबानींवरून टीका केल्याचं स्पष्ट करत सगळे व्हिडिओज काँग्रेसनं समोर आणलेत. एक तरफ अंबानी अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है, और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी. और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. सूट में मोदी जी, अदानी जी, अंबानी जी राम मंदिर में देखी तो है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं. भाई इनकी गलती नहीं है, ये इनको इनको इन पे लगाम लगा रखी है, ऊपर से अदानी जी ने बांध रखा है, खोलते नहीं है.
इनकी गलती नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं है, देखो ये मुस्कुरा रहे हैं। इतकंच नाही तर अदानी आणि अंबानींवरून मोदींचा खोटारडेपणा उघड झाल्याचं म्हणत प्रियंका गांधी आणि काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी देखील मोदींचा चांगला समाचार घेतला। आज ये कह रहे हैं भाषण में, इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं, रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े 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 खड़गपतियों की इनके साथ इनकी साथ गांठ है, गांठ है। 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अदानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है और ये टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। इन्हीं टेम्पो में भर भर के काला धन बांटने की बात मोदी जी कर रहे हैं, एक टेम्पो में खुद चढ़ रहे हैं, एक में बैठे हुए हैं, बहुत मस्त लग्जरी आराम से। नरेंद्र मोदी जी से भ्रष्टाचार का खुलासा अगर किसी ने कराया है तो राहुल गांधी ने कराया। वर्षभरापूर्वी संसदेत राहुल गांधींनी मोदी आणि अदानींच्या संबंधांबाबत फोटो दाखवून सवाल उपस्थित केले होते। राफेल, ऊर्जा, पोर्ट, मुंबई विमानतळ यासह अनेक क्षेत्रातील कंत्राट अदानींनाच कशी काय मिळतात असा सवाल सुद्धा राहुल गांधींनी यावेळी मोदींना केला होता। देख लीजिए प्लीज, पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं सर, देखिए नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर। 2014 पासून अनेक वेळा राहुल गांधींनी अदानी अंबानींच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवरती सूडबूट की सरकार अशी टीका केली आहे। राहुल गांधींच्या पंतप्रधान मोदींवरच्या टीकेचा केंद्रबिंदू कायम अदानी आणि अंबानीच राहिले। मात्र याच मुद्द्यावरून तेलंगणामधल्या सभेत मोदींनी राहुल गांधींना सवाल करताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आणि आता राहुल गांधींना घेरण्याच्या नादात अडचणीचा ठरणारा अदानी अंबानींचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरच बुमरँग झालाय अशीही चर्चा होतीये। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज।